हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि हम जब गाजर को कद्दूकस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इस वजह से कई लोग बनाना भी उसको पसंद नहीं करते। तो हम इसको एक मिक्सर के जार में डालेंगे और उसको इस तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा पीसना नहीं है हमें, तो इस तरीके से रखना है। तो इसका इससे जो है हमें बनाने में बहुत आसानी होती है, तो और इससे काम बहुत इजी हो जाता है। तो जो हम आधा घंटा इसमें वेस्ट करते हैं, वो हमारा काम 5 मिनट में ही हो जाता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है मैंने उसमें। ये दूसरा चम्मच ऐड करती हूँ मैं इसमें। अब इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 इलायची छोटी वाली, उसको मैं क्रश करके ऐड कर दूंगी। गाइस, गाजर का हलवा बहुत ही इंस्टेंट गाजर का हलवा है। बहुत ही इजीली आप इसको बना लेंगे और ठंड में आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो मैंने जो गाजर को ग्राइंड किया था, अब इसमें मैं डाल दूंगी। धीरे धीरे करके मैं इसमें सारी गाजर जो भी है मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अब इसको अच्छी तरह से चला लेंगे हम, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे पानी जो है रिलीज़ नहीं हो जाता है। एक बार आप इस तरीके से गाजर का हलवा ज़रूर बना कर देखें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए कलर इसका जो है चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मावा ऐड कर दूंगी, जिसको खोवा भी बोलते हैं। तो खोवा ऐड कर दूंगी मैं इसमें, क्योंकि ठंड का मौसम है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तो ये जम गया है। आप इसको ऐड करेंगे इसमें तो ये मेल्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये देखिए ये मेल्ट हो चुका है, और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ये। अब हम इसको इस तरीके से चला लेंगे। ये देखिए पूरा मेल्ट हो चुका है। जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हमें गाजर को, इतनी सारी गाजर होती है, उनको कद्दूकस करते करते ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी टाइम की बहुत बचत होगी और आप बहुत जल्दी इसको बना लेंगे, और बहुत ही इसमें कम टाइम भी लगता है। तो अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। आप स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, आपको जितनी शुगर पसंद है आप उतनी ऐड करिए अपने अकॉर्डिंग। और ड्राई फ्रूट मैं इसमें बादाम ऐड करूंगी। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसको इस तरीके से चला लेंगे ताकि शुगर जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। इसको हम अच्छे तरीके से चला लेंगे ताकि ये जो इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए और ऐसा रनी कंसिस्टेंसी वाला नहीं रहे।
तो मैं इसमें अब बादाम ऐड करूंगी। तो तैयार है हमारा टेस्टी यमी गाजर का हलवा, बहुत ही कम टाइम में बनने वाला। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।